हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओबीपीडिया। दिस इज़ अंकुर पवार और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, हम बात करेंगे इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक रहता है पॉलिटी से, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज़ अबाउट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए पहले टॉपिक का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज किसी भी टॉपिक को समझने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अवर एग्ज़ाम, और क्या ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनता भी है या नहीं बनता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, हमारा जो देश का स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर आप देखेंगे तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश के अंदर जो पावर्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, दैट्स वाई हम डेमोक्रेसी भी कहते हैं हमने आपको, क्योंकि हमारी जो मेनली पावर है वो इट इज़ कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। ठीक है, देखा जाए तो लोगों के हाथ में ही ये जो पावर है हमें देखने को मिलती हैं। बट उसके अलावा अगर बात करें फंक्शंस की, बात करेंगे किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड दी लेजिस्लेचर। ठीक है, तो तीन पार्ट्स में आपका इस तरह से सिस्टम डिवाइडेड है, और ये तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। उसी में अगर बात करें तो जो प्रेजिडेंट है वो आपका एग्जीक्यूटिव के अंदर ही देखने को आपको मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 5 अगर आप देखेंगे, इट इज़ टॉक्ड अबाउट द एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडिया, मतलब कि कौन कौन लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, डिसीजन मेकिंग में जो इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल है, और उसी के अंदर आपको प्रेजिडेंट का आर्टिकल्स जो है वो भी आपको नजर आ जाएंगे। प्रेजिडेंट के आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक मेनली आपको जो है प्रेजिडेंट के आर्टिकल देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर बेसिकली बात की जाती है कि किस तरह से देश जो है उसका एक प्रेजिडेंट होगा। लाइक आर्टिकल 52 जो है वो बात करता है कि देर विल बी अ प्रेजिडेंट। ठीक है, एक प्रेजिडेंट होंगे, एक राष्ट्रपति होंगे जो गवर्नमेंट, मतलब जो हमारे देश के राष्ट्रपति होंगे, इंडिया के राष्ट्रपति होंगे, और उसके बाद उनकी पावर्स, उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह से होगी, क्या क्या उनके पास पावर्स हैं, और किस किस तरह से जो प्रेसिडेंट है उसको इम्पीच किया जा सकता है, या फिर कौन कौन सी अलग अलग डिफरेंट तरह की पावर्स प्रेसिडेंट के पास दिखती है, मैनर ऑफ इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, वो सारी चीज़ें इन आर्टिकल्स के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो टॉपिक हैं, आपने अगर प्रीवियस एग्जाम्स भी देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं, और जो हमारी सीरीज चली भी है उसमें हम जानते हैं हम क्या करते हैं, पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी और ज्योग्राफी के, तो उसी में आपका ये जो आज का टॉपिक है हमें देखने को मिलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, और इसमें हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। किसी भी तरह कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो टॉपिक को भी साथ में क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आप जैसे जानते होंगे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है, एसएससी सीजीएल के अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली अवेलेबल होगा, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आप इजीली उस लिंक को, लिंक के थ्रू जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर आप जो हमारा कोर्स है उसको अवेल करना चाहते हैं तो देख ली, जैसे कि यहाँ पे मेंशनड है इट इज़ 4999, लगभग 4999 में आपको ये जो कोर्स है वो अवेलेबल होगा। इस कोर्स की अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो इस कोर्स के अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स जो है देखने को मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिलेंगे और टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से अगर हम बात करें, क्योंकि आप जानते होंगे कोई भी एग्ज़ाम है आजकल उसके अंदर करंट अफेयर्स का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा आता है। और अगर बात करें टेस्ट सीरीज़ की, तो आप एसएससी अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, अगर आप नए भी हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि टेस्ट सीरीज़ इज़ द मेन की, वो आपको बताएगी कि आप एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं, तो वो टेस्ट सीरीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कोर्स की इन्फॉर्मेशन, इसका लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हम अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ इंडियन यूनियन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, द प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर्स को डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछ रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द इंडियन यूनियन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, की इंडियन यूनियन की, मतलब हमारा जो केंद्र में जो सरकार है उसकी जो पावर्स हैं वो किसके पास दी जा रही हैं, किसके पास है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आप जनरली जानते होंगे कि जो पावर एक्सरसाइज की जा रही है
या फिर जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो एक्सरसाइज की जा रही है वो हम जनरली देखते क्या, हमें एक ही नाम जो है बार बार देखने को मिलता है, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे करंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो और उनके मिनिस्टर्स जो हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, वो जनरली इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए हमें दिखते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो उनके हाथ में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। देखिए यहाँ पे समझने वाली एक चीज़ क्या है कि यहाँ जो ये ऑप्शंस हैं इनमें अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन जो बी है ना वो आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो उसी के पास वेस्टेड हैं, मतलब जो राष्ट्रपति हैं उन्हीं के पास ही एग्जीक्यूटिव पावर देखने को मिलती हैं। बेसिकली हम इसको समझेंगे कि किस तरह से ये चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। देखिए जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था आर्टिकल 52 जो कि कहता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या आर्टिकल 52 हमारा बात कर रहे हैं, उसी के साथ जो आपका आंसर है उसकी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की ये है कि आर्टिकल 53 के अंदर मैंशन है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेजिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डायरेक्टली एक्सरसाइज भी की जा सकती हैं और किन के द्वारा भी एक्सरसाइज की जा सकती हैं, कौन से होंगे जो उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, सबॉर्डिनेट्स एग्जीक्यूटिव जो होंगे या फिर ऑफिसर्स होंगे। ठीक है, तो मेनली जो पावर लाई कर रही हैं वो आपकी प्रेसिडेंट के पास करें, क्योंकि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी बिल जो है वो लेके आती है पार्लियामेंट के अंदर, मान लीजिए पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल आया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया बाय द गवर्नमेंट और उसके बाद वो बिल पास हो रहा है, बिल पास होने के बाद एट द एंड जो साइन उस पर होते हैं ना बिल पे, जिसके बाद हम मानते हैं कि यस जो आपका ये बिल था ये लॉ जो है वो बन चुका है या कानून में तब्दील हो चुका है, वो जब आफ्टर द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट होता है ना तभी उसे माना जाता है। हाँ, ये एक कंडीशन ज़रूर होती है कि इट नीड्स टू बी क्या है मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए, डिपेंड करता है कौन सा बिल है, लोकसभा राज्यसभा सिंगल मेजोरिटी या टू थर्ड मेजोरिटी है सिंपल मेजोरिटी है, बट एट द एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज़ साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ही इज़ दी सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो वेस्ट करती है। ठीक है, सो अगर आप बात करें पावर्स के बारे में तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर्स और फंक्शन के अंदर देखें तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, फाइनेंशियल, जुडिशरी, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर्स, ये सारी इंपॉर्टेंट पावर्स प्रेसिडेंट के पास लाई करती हैं। ठीक है, हम इन सभी पावर्स को लेक्चर में नहीं पढ़ सकते क्योंकि इट विल टेक मोर देन 2-3 लेक्चर्स टू स्टडी ऑल दिस पावर्स। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इन्हें समझिए कि जो हमारा क्वेश्चन था उसके हिसाब से जो यहाँ पे मेन जो है रहेगा वो कौन रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, तो राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन बी रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति जो होता है ना हमारा राष्ट्रपति उसके पास क्षमा करने की शक्ति होती है, पार्डनिंग पावर मतलब किसी को भी क्षमा करने की शक्ति होती है। द क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो प्रोवाइड करता है वो वाली पावर, आर्टिकल 71, 74, 72, 75, चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हम थोड़ा सा डिटेल में इसको जानने की कोशिश करते हैं फिर हम आंसर के ऊपर भी आएंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही बात है, अगर मान लीजिए किसी भी आदमी के ऊपर कोई केस है, ठीक है, कोई क्रिमिनल केस है या किसी भी तरह का कोई केस चल रहा है, ठीक है, उसके बाद एक सिस्टम है, ठीक है, न्यायपालिका का एक सिस्टम है जिसके थ्रू हमें गुजरना पड़ता है। सबसे पहले जहाँ पर भी वो क्राइम हुआ है उसमें उस लोकल एरिया का जो कोर्ट है वहाँ पे जजमेंट आएगी, फिर धीरे धीरे करके आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। बट एट द एंड होता क्या है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए एंड अगेन जो जजमेंट है इट इज़ अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट आती हैं और आप कन्विक्ट होते हैं और आपको सज़ा सुना दी जाती है किसी भी केस में, तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास कोई और रास्ता अवेलेबल है, बिल्कुल है। ये कहाँ मेंशन है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंदर मेंशन है कि प्रेसिडेंट जो होता है उससे पार्डनिंग पावर होती है, मतलब क्षमा करने की शक्ति भी प्रदान होती है, ये प्रेसिडेंट की एक्सक्लूसिव पावर्स के अंदर आता है। ठीक है, जो सिर्फ आपको राष्ट्रपति के पास देखने को मिलेगी। तो ये जो पार्डनिंग पावर है इसमें राष्ट्रपति के पास वो एप्लीकेशन आएगी, ठीक है, या फिर वो क्षमा याचिका की जो याचिका जो है वो पहुँचेगी, तो ये टोटली डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर कि वो उस आदमी को माफ़ कर सकता है। ठीक है, अब माफ़ करने के बारे में भी अलग अलग है किस किस तरह की माफ़ी जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं,
बट फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि राष्ट्रपति के पास पावर है, उसे माफ़ कर सकते हैं। और ये जो माफ़ी अगर राष्ट्रपति देता है, एग्री करता है कि हाँ चलो ठीक है इस बंदे को माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ी अगर देता है, तो ये जो माफ़ी है ना राष्ट्रपति की, इसके पीछे राष्ट्रपति को कोई रीजंस भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि किस वजह से उसने जो है ये माफ़ी जो दी है। और साथ में आप एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो प्रेजिडेंट है उसकी ये जो उसने क्षमा किया है, ये चीज़ आपकी जुडिशियल रिव्यू में भी नहीं आएगी, ठीक है। इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट, बट देर आर द कंडीशन एज ऑलवेज पॉलिटिक के अंदर क्या होता है, एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्ट वेयर द प्रेजिडेंट डिसीजन आर्बिट्रेरी इरेशनल और डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है। इन बेसिस पे उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, बट अदर देन दैट रीजन कोई भी ग्राउंड नहीं बनता है जो प्रेजिडेंट अगर किसी को माफ़ कर देता है तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू किया जाए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगर बात करें कि जो क्षमा होती है वो कैसे होती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमिटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट और रिप्राई, ये चार तरह की आपको यहाँ पे बेसिकली जो माफ़ी है प्रेसिडेंट वो दे सकता है। तो ये चारों ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए सिंपल शब्द में अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ इस तरह से, मान लीजिए किसी आदमी को सज़ा होती है 12 साल की आजीवन कारावास या फिर फांसी है, तो उसकी सज़ा कम भी की जा सकती है, फांसी की सज़ा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया जाए या फिर उम्र कैद की सज़ा को थोड़ा और कम कर दिया जाए, ये भी प्रेसिडेंट के पास पावर है। ये भी पावर है कि उसकी सज़ा का नेचर बदल दिया जाए, या ये भी पावर है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको कम्प्लीटली माफ़ भी कर सकता है। मान लीजिए किसी को अगर मान लीजिए फांसी की सज़ा है तो उसे कम्प्लीटली माफ़ भी किया जा सकता है कि अब ना तो उसके ऊपर कोई आरोप रहेगा ना ही उसे किसी तरह की सजा होगी, तो कम्प्लीटली भी उसे माफ़ किया जा सकता है। ये सारा कुछ जो प्रेसिडेंट है उसकी एक्सक्लूसिव जो पावर्स है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 72 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, आर्टिकल 72 टॉक्स अबाउट दी पार्डनिंग पावर ऑफ दी कौन, राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ दी किसकी, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन है या फिर कौन सी संस्था है जो कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है उसके ऊपर उसमें भाग लेती हैं। तो ऑप्शन ए आपका अटॉर्नी जनरल, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव और उसके बाद पार्लियामेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर बड़ा ईजी सा है, आप यहाँ पर सिंपली जो सी है उस पर कर सकते हैं टिक, क्योंकि इसका राइट आंसर यही बनेगा, ठीक है। नॉर्मल सा इजी सा क्वेश्चन है, बट हम थोड़ा सा क्या करेंगे इसको डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो कैसे हो सकती है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इम्पीचमेंट, इन द सेंस जब आर्टिकल 52 आपका ये कह रहा है कि यस देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली अगर वो प्रेसिडेंट है तो उसे इम्पीच भी किया जा सकता है। मतलब अगर कोई चीज़ इम्पॉइंट अपॉइंटमेंट हो रही है, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो एक पोस्ट है उस पर आदमी आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है, डेफिनेटली उसे हटाया भी जा सकता है, तो वो जो प्रोसेस है हटाने का उसी को इम्पीचमेंट आपका कहा जाता है, ठीक है। अब इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है, क्योंकि प्रेसिडेंट का मैनर ऑफ इलेक्शन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन नॉर्मली जिस तरह से आपका लोकसभा राज्यसभा उस तरह से नहीं होता, उसका मैनर डिफरेंट है, तो उसके इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी डिफरेंट है, ठीक है। इम्पीचमेंट के प्रोसेस के अंदर बोथ द हाउसेज जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, हो सकता है राज्यसभा हो सकता है लोकसभा हो, बट दोनों केसेस में चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो, दोनों में से कोई भी एक हाउस जो है वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस को शुरुआत कर सकता है। बट आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरुआत कहीं से भी हो सकता है, राज्यसभा लोकसभा से, बट जो पास है ये रेजोल्यूशन जो पास होगा वो आपका बोथ हाउसेज से पास होना चाहिए विद द 2/3 मेजोरिटी। सो अगर डिटेल की बात करें तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ग्राउंड आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि क्या ग्राउंड है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट जो है वो की जा सकती है, इम्पीच किया जा सकता है, तो ये बनता है आपका वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अगर संविधान का उल्लंघन होता है। इसके अलावा आपको कोई और ग्राउंड यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद द इम्पीचमेंट चार्जेस जो हैं वो आपके क्या होंगे, टू बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी भी एक हाउस में इम्पीचमेंट जो चार्जेस है उन्हें इनिशिएट किया जा सकता है। ये जो चार्जेस है शुड बी साइंड बाय कितने, 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस दैट इनिशिएटेड द चार्ज, कि जो भी हाउस आपका इनिशिएट कर रहा है
उसमें चार्जेस जो आप फ्रेम कर रहे हो, मतलब जब वो प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, 1/4 मेंबर्स जो हैं उस हाउस के उसको स्टार्ट करें। उसके बाद 14 डेज़ का नोटिस पीरियड जो है वो भी राष्ट्रपति को दिया जाएगा, ठीक है। 14 डेज नोटिस पीरियड शुड बी गिवन टू दी प्रेसिडेंट, ताकि वो अपनी जो अपने आप को डिफेंड कर सके या अपनी बात रख सकें। उसके बाद क्या है, इफ़ द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज़ पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3, मतलब 2/3 जो मेजोरिटी है उससे पास हो जाता है ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ये भी ध्यान रखेंगे, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इन बोथ द हाउसेस। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास होना चाहिए, देन द प्रेसिडेंट कंसिडर स्टैंड रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। तो हम माना जाएगा कि राष्ट्रपति जो है उनको ऑफिस से हटा दिया गया है, फिर इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे, इट इज़ नॉट अ ईजी प्रोसेस, ठीक है, इतना आसान नहीं है कि किसी भी राष्ट्रपति को इजीली इम्पीच किया जा सके, बिकॉज प्रोसेस इतना डिफिकल्ट बनाने का सिंपल रीज़न यही है कि आइदर जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड भी अगर आप देखें वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि ग्राउंड इतना सॉलिड हो, ठीक है, पहली बात तो ये, और दूसरा जो प्रोसेस है वो और डिफ़िकल्ट हो, ताकि किसी को, क्योंकि राष्ट्रपति सबसे हाईअर पोस्ट है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि किसी भी राष्ट्रपति को इम्पीच करने का प्रोसेस चला दो, तो इट इज़ नॉट लुक गुड, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी और इंडिया की इमेज में भी, और वैसे भी देश के लिए भी अच्छा नहीं है कि नो ऐसे ही आप किसी भी राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट प्रोसेस चला दो। ऑल दो वो इम्पीच ना हो, मतलब ना हटे ऑफिस से, वो डिफरेंट चीज़ है, बट प्रोसेस भी इनिशिएट करना इट्स नॉट कोई ऐसी आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इसलिए प्रोसेस को डिफ़िकल्ट बना दिया गया है, बट अगर आप ध्यान देंगे, प्रोसेस डिफ़िकल्ट है, बट इतना भी डिफ़िकल्ट है नहीं है कि नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली अगर कोई राष्ट्रपति वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तो उस केस में इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया जा सकता है, और डेफिनेटली अगर ये प्रोसेस चलता है तो आगे अगर राष्ट्रपति पाया जाता है कि हाँ प्रेसिडेंट जो है उन्होंने वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उस केस में बिल्कुल इम्पीचमेंट जो है वो हो सकती है। तो ये ग्राउंड रहने वाला है आपका, और उसके अलावा ये कंडीशन रहने वाली है जो कि आपके राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के लिए चलेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है कि पार्लियामेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा, बोथ द हाउसेस पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रोसेस के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड विद इन, कि जो ऑफिस है प्रेजिडेंट का यह आपका फिल किया जाना चाहिए कितने समय के अंदर, 90 डेज, 6 मंथ्स, 1 ईयर, या फिर विद इन द पीरियड डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। चार ऑप्शन है। अब देखिए सिंपली क्या है ना, राष्ट्रपति अपॉइंट हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति के पास पावर्स हैं, उसके बाद राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट प्रोसेस चला, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए उसका इम्पीचमेंट प्रोसेस चला। अब इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है उसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट हो गया और राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो खाली हो गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब आपकी इम्पीचमेंट हो गई राष्ट्रपति की, तो उसके बाद क्या, मतलब कि अब कौन होगा जो राष्ट्रपति बनेगा और किस तरह से वो राष्ट्रपति बनने का जो प्रोसेस है वो आगे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन का आंसर है मैं वो बता देता हूँ, फिर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ, जब जिस दिन पोस्ट खाली हुई उसके 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो करवाया जाएगा। तो 6 महीने से ज़्यादा ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट खाली आपका नहीं रह सकता, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर वो आपका इलेक्शन जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। अब देखिए डिटेलिंग की अगर बात करें, जो ये प्रेसिडेंट का ऑफिस आपका खाली हुआ, इसके खाली होने का रीज़न क्या है, देखिए सिंपली है, कई तरह की वजह बनती हैं। मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है इन द ऑफिस में, अब ऑफिस में रहते हुए, पोस्ट पर रहते हुए उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर उनका इम्पीचमेंट हो जाता है, या फिर ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, ठीक है। किसी इन केसेस में जो राष्ट्रपति है उसकी जो टर्म है वो कंप्लीट नहीं होती है, या फिर राष्ट्रपति जो है उसकी पोस्ट खाली जाती है, तो उस केस में क्या होता है, एन इलेक्शन टू बी फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट अकरिंग बाय द रीजन ऑफ कौन सा, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज shall be held soon as possible after and in case not in case later than the 6 month, मतलब 6 महीने से ज़्यादा जो ये आपका इलेक्शन है उससे पहले पहले करवाना पड़ेगा, एट द डेट ऑफ द अकरेंस, तो उससे पहले पहले आपका जो इलेक्शन है वो आपका कराना पड़ेगा। और जो पर्सन आपका इलेक्ट किया जाएगा एज अ प्रेजिडेंट, जो फिल करेगा वैकेंसी को,
उस पर वो सेम चीज़ें एप्लीकेबल होगी जो कि प्रीवियस प्रेसिडेंट पे हुई थी। ठीक है, प्रीवियस प्रेसिडेंट मतलब सैलरीज की बात करें, पावर्स की बात करें, मतलब सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा, बट यस विद इन द 60 डेज जो है वो आपका इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का हमें करवाना पड़ेगा, और जो पर्सन इलेक्ट होकर आएगा उसके बाद सेम पावर्स जो हैं आपकी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, एंड वो क्या होगा, अंडर आर्टिकल 56 ऑल्सो एंटाइटल टू होल्ड द ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ द कितने 5 साल के लिए। ऐसा नहीं होगा कि वो अगर 4 साल में डेथ हो रही है तो 1 साल के लिए, नहीं, वो कम्प्लीटली आपका एंटाइटल रहेगा पर्सन जो भी प्रेजिडेंट इलेक्ट होगा फॉर द 5 ईयर्स, जो आने वाले आगे 5 साल हैं उनके लिए रहेगा। ठीक है, जब से वो ऑफिस में एंटर करता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, आगे अगर बात करें, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ एमरजेंसी पावर्स ऑफ, गुड क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ दी इमरजेंसी पावर्स ऑफ, कितनी तरह की इमरजेंसी पावर है, 1, 2, 3, 4, 5, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं कि क्या राष्ट्रपति के पास जो पावर्स है वो कितनी तरह की हैं। तो ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था हमारे एक क्वेश्चन में, 2, 3, 4 और 5। तो देखिए पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रेसिडेंट के पास आपको कई तरह की पावर्स जो है आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की जा रही है इमरजेंसी की, ये बात इमरजेंसी पावर्स की हो रही है कि इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास कितनी तरह की पावर्स हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देर आर 3 टाइप्स ऑफ पावर जो कि राष्ट्रपति के पास है। ध्यान दीजिएगा, यूँ राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर है, हमने स्टार्टिंग में देखा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, पार्डनिंग पावर, ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर्स, मिलिट्री पावर्स, ये अलग अलग तरह की पावर्स है राष्ट्रपति का। बट इन्हीं पावर्स के अंदर जो आपकी इमरजेंसी पावर आती हैं, उसी इमरजेंसी के अंदर 3 तरह की जो पावर्स हैं राष्ट्रपति को वो मिलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 3 तरह की आपकी जो इमरजेंसी पावर है, जिसमें आपका नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल जो मिलेगा लगेगा आपका आर्टिकल 356 और 365 के अंदर, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 के अंदर। ये 3 तरह की इमरजेंसी पावर जो है वो राष्ट्रपति को मिलती है। नेशनल इमरजेंसी की अगर मैं बात करूं अंडर आर्टिकल 352, ये आपकी लगाई जा सकती है किन केसेस में, जब देश के ऊपर अटैक हो, वॉर लाइक सिचुएशन हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, ठीक है, या फिर आर्म्ड रेबेलियन हो विद इन द कंट्री, तो ये ग्राउंड बनते हैं नेशनल इमरजेंसी लगाने के। मान लीजिए चाइना और इंडिया का जो है युद्ध छिड़ जाता है या फिर वॉर छिड़ जाती है, उस केस में ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, बिकॉज एक्सटर्नल एग्रेशन है, ठीक है, या फिर वॉर हो गई है, ठीक है, युद्ध छिड़ गया है, तो उस केस में हो सकते हैं। इवन इन द केस ऑफ द आर्म्ड रेबेलियन के उसमें भी हो सकता है। ये आर्म्ड रेबेलियन वाला जो कंसेप्ट है, ये आफ्टर आपका जब इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन हुआ था उस टाइम पर, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, तो आर्म रेबेलियन हो उस केस में भी आपका जो है ये हमें देखने को मिलता है। तो ये ग्राउंड्स हो गए आपके नेशनल इमरजेंसी के। उसके अलावा बात करें प्रेजिडेंट रूल, ठीक है, प्रेजिडेंट रूल और ये नेशनल इमरजेंसी आपको नेशन में देखने को मिलेगी एज एन ए कंट्री। प्रेजिडेंट रूल की बात करें तो ये आपका एक ये स्टेट पर आपको इमरजेंसी देखने को मिलती है, स्टेट के अंदर इमरजेंसी लिखती है 356 और 365 के अंदर। ठीक है, इसमें जो अगर जो स्टेट की मशीनरी है, ठीक है, इट इज़ नॉट वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर आ जाती है अंडर आर्टिकल 365 की, वो क्या कर सकता है, उस स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल जो है उसे लगा सकता है। ठीक है, अब प्रेसिडेंट रूल के अंदर होगा क्या कि जितने भी स्टेट की गवर्नमेंट की पावर्स थी वो सारी शिफ्ट हो जाती हैं टूवर्ड्स दी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट खुद उनको एक्सरसाइज करेगा या फिर वहाँ पे किसी गवर्नर को या फिर कोई भी एक अपना सबॉर्डिनेट या फिर कोई भी पर्सन जो है उसे अपॉइंट कर सकता है। प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करेगा वो उस स्टेट के जो डिसीजन है आगे से लेना स्टार्ट करेगा। तो ये आपका हो गया प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, जो लगाया जा सकता है। जैसे कि बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है, जब आर्टिकल 370 हटाया गया था उसके बाद जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल ही लगा था, ठीक है, तो वो था। उसके बाद बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी की, जो थर्ड ऑप्शन है आपका, फाइनेंशियल इमरजेंसी
सिंपली फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में लगाई नहीं गई है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब ये है कि जब देश की जो फाइनेंसिस है वो इतने वीक हो जाए और इंडिया जो है फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, उस केस में जो हमारी राष्ट्रपति हैं उनके पास पावर आ जाती हैं अंडर आर्टिकल 360 कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर जो सैलरीज वगैरह है, अकाउंट्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाता है और इसमें सैलरीज जो है उनको रोका जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताएं तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, उनकी सैलरी को किसी भी हालत में नहीं रोक सकते हैं, मतलब किसी भी हालत में नहीं कुछ कर सकते। बट इन द टाइम ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पर उनकी सैलरी को भी रोका जा सकता है। तो ये तो आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो वो एक सिचुएशन ही ऐसी है विच इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंस, तो उस टाइम पे किसी भी तरह की जो पावर है राष्ट्रपति को इस फाइनेंस के अंदर मिल जाती है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट आज तक ये आपकी लगी नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी, बट यस प्रेजिडेंट के पास ये पावर है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे अगर बात करें, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु हैड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, कि इनमें से कौन है ऐसा जिसने जो दो टर्म्स हैं लगातार आपकी वाइस प्रेसिडेंट आपके रहे हैं। तो इसमें अगर बात करें तो ये हैं आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ऑप्शन ए, ये आपकी लगभग दो टर्म्स जो थी इनकी लगातार ये आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इट इज़ कुछ ज़्यादा इसमें समझने का है नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप एक बार राष्ट्रपति हो दूसरी बार बन सकते हैं, जैसे कि यूएसए की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर एक पर्सन मैक्सिमम टू टाइम्स ही राष्ट्रपति रह सकता है। बराक ओबामा दो बार राष्ट्रपति रहे थे तो थर्ड टाइम के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, बट दिस इज़ नॉट द केस इन इंडिया। तो यहाँ पर आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं वो आपके दो बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो राइट आंसर था वो ऑप्शन ए था। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। किसी भी तरह का कोई और डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एसएससी का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं ईजिली और आप ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे। ये हमारे कोर्स की डिटेल है, 4999 के अंदर आपको कोर्स मिलेगा जिसमें आपका वीडियो लेक्चर्स है, PDF है, टेस्ट सीरीज़ हैं और करंट अफेयर्स हैं। ये सारा कुछ सिर्फ 4999 के अंदर आपको पूरा कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए भी आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। किसी और तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ही जो नई अपडेट्स हैं आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है जो कि abhipedia.abhimanyu के नाम से है। यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाकर चूज एग्ज़ाम वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको SSC वाला कॉलम जो है वो मिल जाएगा। जैसे इसमें CGL का एग्ज़ाम है तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको CGL एग्ज़ाम के जो कोर्सेज़ हैं जिसमें अगर आप बात करें इंक्लूसिव कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज और माइक्रो कोर्सेज विच इज़ वेरी पॉपुलर, ये माइक्रो कोर्सेज भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, ये अलग अलग कोर्सेज हैं, आप इनको अलग अलग भी बाय कर सकते हैं। जिसमें भी आपको टॉपिक में लगे कि ज़्यादा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है तो वो आप कोर्स भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।